सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की एक और नई वीडियो में। यहाँ पे हम लोग इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के कुछ मिथबस्टर को कंफर्म एंड बस्ट करने वाले हैं। तो भाई पहला मिथ हमारा निकल के आ रहा है कि आरजेएस टूल में बेंटन लिखेंगे तो होगा मैजिक। चलो हम लोग लिख के देखते हैं। तो भाई यहाँ पे हमने आरजेएस टूल को ओपन कर लिया, अब मैं लिखने वाला हूँ बेंटन, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखते हैं इंटर करके क्या होता है। सो गाइस मैंने इंटर कर दिया और मेरे को तो यहाँ पे कुछ नहीं लगता कि मैजिक हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आसमान में भी मेरे को कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। सो गाइस चलो फिर से ट्राई करके देखते हैं, शायद कोई मैजिक हो जाए। इस बार मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखूंगा, इस बार मैं थोड़ा स्मॉल लेटर में लिखूंगा। मैंने यहाँ पे बेंटन लिख दिया, फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इंटर मैंने किया, कोई मैजिक मेरे को यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो भाई आप लोग को मैंने यहाँ दो पे बार लिख के दिखा दिया हूँ, कोई मैजिक देखने को नहीं मिला है। चलो हम लोग तीसरी बार ट्राई करते हैं। देख सकते हो हवा में भी मेरे को कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि शायद मेरे को हवा में बेंटन के वो मतलब जो होते नहीं है एलियंस वो देखने को मिल जाए। मैं यहाँ पे चलो फिर से मतलब तीसरी बार ट्राई करता हूँ। देख सकते हो मैंने यहाँ पे बेंटन फिर से लिख दिया, इस बार मैंने गैप नहीं दिया, फिर भी मेरे को यहाँ पे कोई मैजिक देखने को नहीं मिला है। तो भाई ये वाला मिथ हमारा बस्टेड होता है। हमारा अगला मिथ है, अगर हम लोग हेलीकॉप्टर और साइकिल को साथ में ड्राइव करेंगे फिर होगा मैजिक। चलो ड्राइव करके देखते हैं। सबसे पहले मैं हेलीकॉप्टर को बुला लेता हूँ, 8000 का चीट कोड इसका होता है। फिर हम लोग साइकिल को बुला के दोनों को साथ में ड्राइव करेंगे, देखते हैं कौन सा मैजिक होगा। तो भाई यहाँ पे मैं साइकिल को भी बुला रहा हूँ, 4 बार इसका चीट कोड होता है 4 बार 1 दबाने पे। तो भाई यहाँ पे मेरी साइकिल आ गई है, अब इस पर हम लोग साथ में ड्राइव करेंगे, देखते हैं कौन सा मैजिक होता है। तो भाई यहाँ पे मैं बीच में घुस गया हूँ, अब यहाँ पे साथ में ड्राइव करने वाले हैं, देखते हैं कौन सा मैजिक होगा। मैंने यहाँ पे इसको ड्राइव कर दिया, चलो देखते हैं कि भाई कौन सा मैजिक होगा। सो गाइस देख सकते हो हेलीकॉप्टर और साइकिल साथ में चल रही है, देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा मैजिक हुआ तो है। जैसा कि आपको पता है नॉर्मल जो हमारी साइकिल चलाता है बंदा वो उसकी गद्दी पे बैठ के चलाता है, लेकिन भाई ये जो साइकिल चला रहा है डंडे पे बैठ के चला रहा है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा फनी लग रहा है। सो गाइस इसकी पैंडल भी अपने आप मतलब चल रही है, पैंडल भी ये नहीं मार रहा है। तो भाई यहाँ पे मैजिक तो हो गया, ये मिथ हमारा कन्फर्म होता है। तो गाइस हमारा अगला मिथ है, अगर हम लोग 7777 वाली बाइक को RGB कलर करेंगे तो उसका आईना पिंक हो जाएगा। चलो देखते हैं, यहाँ पे मैंने बाइक मंगा ली है जो कि हमारी ड्यूक आ जाती है 200। तो भाई यहाँ पे चलो इसको हम लोग RGB कलर करके देखते हैं कि क्या ऐसा होता है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे RGB कलर इसको कर दिया, देख सकते हो यहाँ पे कलर इसका मतलब हो गया, आईने का पिंक एकदम देख सकते हो एकदम दिख रहा है साफ साफ। इसको मेरे को जूम भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो दूरी कि से दिख रहा है कि इसका कलर पिंक हो गया है शीशे का। तो भाई ये मिथ हमारा कंफर्म होता है। अभी हम लोग इसको और कलर करके देखते हैं कि और कलर में होता है कि नहीं। तो भाई चलो हम लोग देखते हैं कलर यहाँ करके, पे सबसे पहले ऑरेंज करके देखते हैं क्या हमारा मतलब शीशे का कलर चेंज होगा। ऑरेंज करने पे यहाँ पे कलर तो चेंज हो गया बाइक का, लेकिन भाई शीशे का कलर चेंज नहीं हो रहा है। मैंने वॉयलेट भी किया था, तो भाई देख सकते हो आप लोग यहाँ पे जब RGB कलर इसका करोगे तो इसके शीशे का कलर पिंक हो जाएगा, जो कि देखने में बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। सो गाइस ये मिथ हमारा कंफर्म होता है। सो गाइस हमारा अगला मिथ है, हम लोग स्कॉर्पियो कलर को RGB नहीं कर सकते, देखते हैं ट्राई करके। यहाँ पे 444 इसका चीट कोड होता है जो कि हमारी आती है। तो भाई चलो देखते हैं इसको हम लोग कलर करके RGB होता है कि नहीं। सो गाइस यहाँ पे मैं RGB कर रहा हूँ, देख सकते हो नहीं हो रहा है, मतलब RGB कलर इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। देख सकते हो मैं बाकी सारे कलर कर रहा हूँ, वो सारे हो जाते हैं, मिक्स करके देखते हैं मिक्स होता है कि नहीं। तो भाई यहाँ पे वॉयलेट भी हो गया, ब्लैक भी हो गया, मिक्स भी यहाँ पे हो जाता है, लेकिन भाई RGB कलर इसका नहीं होता है। तो भाई ये भी मिथ हमारा कंफर्म होता है। तो गाइस हमारा अगला मिथ है, अगर हम लोग स्काईफॉल लगा के गिरते हुए स्लो मोशन का बटन दबाते रहेंगे तो हम लोग को कुछ नहीं होगा। तो भाई चलो हम लोग ट्राई करते हैं, स्काईफॉल यहाँ पे हो गया है, अब हम लोग यहाँ पे स्लो मोशन का बटन दबाएंगे। देख सकते हो स्काईफॉल में बहुत ज्यादा टाइम लगाता है कितनी ऊपर से गिरता है। मैं यहाँ पे स्लो मोशन का बटन लगा रहा हूँ और यहाँ पे देख सकते हो मतलब वेस्टेड हो गया, मतलब मेरा कैरेक्टर यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, जिससे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ फर्क पड़ा है स्लो मोशन के बटन से। हम लोग यहाँ पे फिर से ट्राई करते हैं, मैं यहाँ पे फिर से आ गया, स्काईफॉल का चीट कोड लगा के मैं फिर से ट्राई करूंगा स्लो मोशन बटन दबाने की, शायद मेरे को कुछ ना हो। तो भाई यहाँ पे फिर से स्काईफॉल हो गया, बंदा बहुत ऊंचे से गिरा और मैंने यहाँ पे इनफिनाइट हेल्थ नहीं लगाई है, तो भाई मैं फिर से वेस्टेड हो जाऊंगा। देख सकते हो गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग बहुत आसानी से गिर गया और यहाँ पे एलिमिनेट फिर से हो गया है। तो भाई ये मिथ हमारा बस्टेड होता है, ऐसे कुछ नहीं होता कि हम लोग अगर स्काईफॉल लगा के स्लो मोशन बटन दबाएंगे तो हम लोग को कुछ नहीं होगा। सो गाइस ये मिथ हमारा बस्टेड होता है। हमारा अगला मिथ है, अगर हम लोग टूल्स पे 500 रैप लिखेंगे तो होगा मैजिक। चलो लिख के देखते हैं कौन सा मैजिक हम लोग को देखने को मिलेगा। तो भाई यहाँ पे मैं 500 रैप लिखूंगा, आप लोग को मैं सामने करके दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया, इंटर भी मैंने यहाँ पे कर दिया, देख सकते हो मेरे को तो नहीं लगता कोई मैजिक हुआ है, जो कि मैंने आप लाइव प्रूफ करके दिखाया है, कोई मैजिक देखने को नहीं मिला है मेरे को। चलो फिर से ट्राई करके देखते हैं, शायद इस बार हो जाए। तो भाई मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ 500 रैप, देखते हैं शायद कोई मैजिक हो जाए। इस बार थोड़े अलग अक्षर में लिखेंगे, मतलब मैं थोड़ा सा कैपिटल करके लिख रहा हूँ, देख सकते हो मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया है, कोई मैजिक मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है। फिर से ट्राई करते हैं, शायद हम लोग को गैप करके देखने पे कुछ मिल जाए। तो भाई देख सकते हो मैंने फिर से ऐसे कर दिया, तब भी मेरे को कोई मैजिक देखने को नहीं मिला है। सो गाइस ये भी मिथ हमारा बस्टेड होता है। गाइस हमारा अगला मिथ है, किसी अगर हम NPC पे स्टिकी बम लगा के उससे दूर जाके एक्टिवेट करें और हवा में देखें तो हम लोग को मैजिक देखने को मिलेगा। चलो ट्राई करके देखते हैं, यहाँ पे मैंने 3 बम लगा दिए इन महिला में, अब यहाँ पे हम लोग दूर जाके एक्टिवेट करके आसमान में देखेंगे, देखते हैं कौन सा मैजिक होता है। सो गाइस दूर चले जाते हैं वरना स्टिकी बम की रेंज हमारे ऊपर आ जाएगी और हमारा वेस्टेड हो जाएगा। सो गाइस मैं दूर जा रहा हूँ, इतना दूर मेरे हिसाब से ठीक होगा, और थोड़ा दूर चले जाते हैं क्योंकि भाई हम लोग को कोई मैजिक देखने को मिल जाए। यहाँ पे मैं दूर जा रहा हूँ, अभी एक्टिवेट करके देखेंगे, इतनी दूरी मेरे
हिसाब से ठीक रहेगी। अब हम लोग अपने स्टिकी बम को एक्टिवेट करके देखते हैं कि भाई कैसा मैजिक होता है। तो भाई यहाँ पे मैं एक्टिवेट करके आसमान में देखूंगा, देखते हैं कौन सा मैजिक होगा। सो गाइस यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया हूँ स्टिकी बम को और मैं देख सकते हो आसमान में देख रहा हूँ कोई मैजिक देखने को नहीं मिला। और भाई जो मतलब वो महिला थी जिसके ऊपर मैंने बम लगाया था वो भी एकदम से दर्दनाक चीख निकाल के मर चुकी है, लेकिन भाई कोई मैजिक देखने को नहीं मिला है। चलो हम लोग अब थोड़ा और दूर जाके देखते हैं करके, शायद मतलब 30 किलोमीटर दूर जाने पे हम लोग को कोई मैजिक देखने को मिल जाए। तो भाई यहाँ पे एक पुरुष जा रहा है, इसके ऊपर हम लोग स्टिकी बम लगाएंगे, फिर देखते हैं। इस बार मैं केवल एक स्टिकी बम लगाऊंगा तब शायद कोई मैजिक हो जाए। तो भाई स्टिकी बम मैंने यहाँ पे लगा दिया है, अब यहाँ पे दूर जाके देखते हैं। इस बार आप लोग देख सकते हो मैं बहुत ज्यादा दूर आ गया हूँ अपनी स्कॉर्पियो से। सो गाइस यहाँ से मैं एक्टिवेट करके देखूंगा आसमान में शायद कोई मैजिक देखने को मिल जाए। तो भाई बंदा हमारा उतर गया जिसका गेट टूट गया है बाइक का, सॉरी कार का। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे अब हम लोग आसमान में देख रहे हैं, आसमान बहुत ज्यादा ओपी लग रहा है देखने में। तो भाई चलो एक्टिवेट करते हैं, देख सकते हो एक्टिवेट कर दिया, उस बंदे की चीख भी नहीं सुनाई दी और मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई मैजिक नहीं हुआ है। तो भाई ये मिथ हमारा बस्टेड होता है। हमारा अगला मिथ है ट्रक इंटीरियर में आईफोन 13 मैक्स रखा है, क्या ऐसा होता है? चलो देखते हैं। यहाँ पे हमारी ट्रक आ गई है 12-12 के चीट कोड से। अब हम लोग कैमरा एंगल चेंज करके देखते हैं कि क्या इस पे रखा है कि नहीं। तो भाई यहाँ पे गलती से उतर गया, मैं फिर से चढ़ के देखता हूँ। तो भाई मैं चढ़ गया हूँ, इस बार कैमरा एंगल लगा के देखेंगे। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हाँ रखा तो हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो एकदम छोटा सा दिखाई दे रहा है आईफोन 13 मैक्स ये रखा है। तो भाई इसको चुरा के मैं अमीर बन जाऊंगा। सो गाइस देख सकते हो देखने में बहुत ज्यादा ओपी लग रहा है। दो फोन आई थिंक रखे या एक ही रखा है, आईफोन 13 तो यहाँ पे रखा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। सो गाइस ये मिथ हमारा कंफर्म होता है। हमारा अगला मिथ है मून ग्रेविटी लगाकर अगर हम लोग ट्रेन के नीचे वाले हिस्से पे स्टिकी बम लगा के आरपीजी से हम लोग ब्लास्ट करेंगे तो मतलब ट्रेन उड़ जाएगी। यहाँ पे फ्लाइंग ट्रेन ये बनाने को कह रहा है बंदा। सो गाइस मून ग्रेविटी मैंने यहाँ पे लगा लिए, अब हम लोग यहाँ पे नीचे वाले पार्ट पे स्टिकी बम फिक्स करेंगे जो कि आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ। चलो इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि भाई बहुत ज्यादा बम फिक्स करने हैं तो भाई इसमें बहुत टाइम लगेगा, मैंने यहाँ पे इसको स्किप कर दिया। अब इसको हम लोग आरपीजी से ब्लास्ट करके देखते हैं कि क्या ऐसा होता है कि नहीं। थोड़ा दूर जाके हम लोग ब्लास्ट करने वाले हैं, देख सकते हो आरपीजी मेरे हाथ में, अब यहाँ पे स्टिकी बम पे निशाना बना के मारेंगे। तो भाई देखते हैं यहाँ पे स्टिकी बम पे मारा और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ट्रेन को घंटा फर्क नहीं पड़ा, देख सकते हो मैंने कितने गोले दाग दिए अभी भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो गाइस देख सकते हो मैं यहाँ पे मार रहा हूँ स्टिकी बम पे ही मार रहा हूँ लेकिन भाई कोई फर्क इसको नहीं पड़ रहा है। सो गाइस चलो हम लोग स्टिकी बम को एक्टिवेट करके देखते हैं कि क्या ट्रेन उड़ती है कि नहीं। तो भाई यहाँ पे मैं स्टिकी बम को एक्टिवेट कर दिया हूँ जो कि तब भी ट्रेन को कुछ फर्क नहीं पड़ा है। सो गाइस ये मिथ भी हमारा बस्टेड होता है। गाइस हमारा अगला मिथ है प्लेजर और ट्रेन की रेस में प्लेजर जीत जाएगी। सो गाइस 4x0 इसका चीट कोड है, मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया। आप देख सकते हो ट्रेन थोड़ी सी स्पीड पकड़े तब हम लोग रेस लगा के देखेंगे। सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो प्लेजर की स्पीड बहुत तेज है ट्रेन से, अभी ट्रेन ने स्पीड नहीं पकड़ी है, थोड़ा सा हम लोग दूर चले जाते हैं ट्रेन स्पीड पकड़ ले फिर हम लोग पीछे से इसके जाएंगे। तो भाई देख सकते हो आई थिंक ट्रेन ने यहाँ पे स्पीड पकड़ ली है। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हो रेस लगा रहे हैं, इस बार यहाँ पे देख सकते हो ट्रेन आगे निकल गई है। अब मैं ट्रेन को आगे निकलने देता हूँ फिर हम लोग पीछे से जाएंगे। तो भाई देख सकते हो ट्रेन बहुत आगे निकल गई है प्लेजर के, अब मैं इसके मतलब मैक्स स्पीड पे चला रहा हूँ अपनी प्लेजर को, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ट्रेन को ये क्रॉस करने वाली है। तो भाई यहाँ पे ट्रेन अपनी मैक्स स्पीड पे चल रही है फिर भी मैंने यहाँ पे ट्रेन को क्रॉस कर दिया है अपनी प्लेजर से, जो कि यहाँ पे रेस में हमारी प्लेजर जीत चुकी है। फिर हम लोग ट्राई करके देखते हैं, मैंने ट्रेन को फिर आगे कर दिया है, अब फिर इसको चेस करेंगे। सो गाइस देख सकते हो मैं यहाँ पे ट्रेन को चेस कर रहा हूँ और भाई यहाँ पे ट्रेन बहुत आगे निकल चुकी है फिर भी हम लोग यहाँ पे चेस कर रहे हैं। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे फिर से हमारी प्लेजर जीतने वाली है। सो गाइस यहाँ पे अगर आप लोग ट्रेन और प्लेजर की रेस लगाओगे तो आपकी प्लेजर जीत जाएगी, जो कि ये भी मिथ हमारा कंफर्म होता है। गाइस आज के मिथ की यहाँ पे स्टोरी का होता है एंड। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे गेम में अपडेट आने वाला है जिसमें हम लोग को जेट पैक देखने को मिलेगा जो कि आप लोग हवा में उड़ सकते हो उसकी मदद से, और यहाँ पे आपको आरजीबी हाउस देखने को मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे हाउस के अंदर ही आपको जिम देखने को मिलेगा जो कि आप लोग जिम भी कर सकते हो। तो भाई जब सबका चीट कोड आ जाएगा तो मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा, तब तक के लिए चैनल पे बने रहना। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, यही थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।